ये सर देखिए सामने ग्रेटर नोएडा है सामने देखिए ये हाई राइजन के पास में आपको प्लॉट मिल रहा है यहाँ पे आगे कौन सा लोकेशन है सर ये फरीदाबाद में वसुंधरा है यूनिवर्सिटी वसुंधरा के नाम से सत्य उदर अच्छा तो यहाँ से प्रोजेक्ट की अगर बात करें दूरी की तो कितना दूर होगा यहाँ से मुश्किल से एक किलोमीटर की दूरी है अपने मतलब इस कॉलेज से ऐसी किलोमीटर दूरी है कोई चाहे तो अपना रेंटल इनकम कर सकता है यहाँ से हाँ बिल्कुल पीजी बना सकता है पीजी बना सकता है तो दोस्तों देख लो काफी बढ़िया लोकेशन है और यहीं से थोड़ी सी आगे जो है साइड होने वाली टेस्टी और मुटेशन के साथ में ऐसा मकान बनाई आकर के तो सर तुरंत कब्जा दे देते तो क्या यहां पे? आ, सर तुरंत कब्जा और आपने मकान बनाइए आप देख सकते मेट्रो स्टेशन से तो साइड पे आता है और यहाँ पे देखो ये जो है लोकल की मार्केट है सर बात करें जो मार्केट है लोकल की तो ये अपनी साइड से कितनी दूरी पे है सर ये मुश्किल से मुश्किल है आठ सौ मीटर या नौ सौ मीटर की दूरी पे अच्छा और है यहाँ है। पे मोस्टली रोजमर्रा की सारी चीजें मिल जाएगी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सारी चीजें मिलती है तो दोस्तों देख सकते है, यहाँ पे जो आस पास में काफी स्टोरेज है के पास ग्रेटर नोएडा के अंदर हाई राइज पे आपको मिल रहा है पाँच हजार रूपए गज का प्लॉट में कब्जे के लिए कितना देना होता है सर मात्र ग्यारह सौ रूपए लेकर आइए अच्छा हाँ जी ग्यारह सौ में कब्जा दे देंगे सर ग्यारह में केवल ग्यारह सौ रूपए लेकर आइए और अपना कब्जा पाइए आपको तीस फुट ये देखिए और आपको पच्चीस फुट अठारह दोस्तों दिल्ली एनसीआर के अंदर सेक्टर एक सौ अड़सठ के पास एक बेहतरीन प्रॉपर्टी सामने देख सकते हो बड़े बड़े फार्म हाउस इस तरह के लोग बाग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं देखो सामने जो बाउंड्रिया हो रही है फैमिली रह रही है घर मकान बना करके तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लोकेशन आप सभी के लिए फिर से लेकर के आ चुका हूं तो अगर आप सभी विचार प्रॉपर्टी खरीदना ग्रेटर नोएडा के अंदर तो भाई साहब वीडियो आपके लिए पूरा वीडियो देख के जाना क्योंकि आपके सपनों का घर मिलने वाला आज की इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तब भी बहुत बढ़िया है या फिर दोस्तों बना के रहना चाहते हो तब भी आपके लिए काफी बेहतरीन लोकेशन होने वाला है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज सो फैमिली आज की इस वीडियो में हमारे साथ जो सुंदर सर है और सर कैसे हैं जी बिल्कुल अच्छे सर आ, तो सर सबसे पहले आप हमारे फैमिली को अपने बारे में और अपने कंपनी के बारे में कि आपकी कंपनी का क्या नाम है और कब से काम कर रही है सर सबसे पहले तो सभी भाइयों को मेरा नमस्कार और मेरी कंपनी शिव रियल इस्टेट है और कम, कम से काम कर रही है सरी? सर मेरी कंपनी कम पंद्रह सालों से काम कर रही है अच्छा इसी फील्ड में पंद्रह साल आ, से इसी, इसी फील्ड में, में पंद्रह सालों से काम कर रही है क्या बात है सर तो सर सबसे पहले आज बात कर लेते हैं आज की लोकेशन की ऑलरेडी हमने फिर भी बताया हुआ फिर भी आप बताइए लोकेशन जो है कहाँ की और कहाँ पे खड़े हैं इस समय सर इस समय आप खड़े हो ये लगता है सेक्टर एक के नियर में आ रहा है अच्छा हाँ जी ग्रेटर नोएडा ग्रेटर नोएडा सेक्टर एक के नियर में आ रहा है जितनी भी हाई राइज हम देख पा रहे हैं सारी हाँ ये चारों तरफ में हाई राइज आप देख लीजिए इधर भी देख लीजिए चारों तरफ में और सामने भी ये पूरा और यहीं पे लगता हुआ है जो प्लॉट आप दे रहे हैं हाँ, बिल्कुल सर तो सर बात कर लेते इसके इम्पोर्टेंट चीज है जब कोई भी फैमिली आती है प्रॉपर्टी लेने के लिए तो वो सबसे पहले तो गाँव कस्बे से उठ के आती है तो वो देखते हैं रोजगार की व्यवस्था सर रोजगार बिल्कुल ये बगल में ही है अच्छा सामने जितना बगल में ही अच्छा तो यहाँ पे इनको जो है रोजगार मिलने वाली रोजगार मिलने वाला है अच्छा तो दोस्तों ये देख लो मतलब रोजगार के लिए कहीं दूर नहीं जाना पास में रोजगार सर बात करें एजुकेशन के बारे में पढ़ाई लिखाई के लिए सर एजुकेशन तो आपने देखा होगा अभी ये बगल में एक किलोमीटर दूरी पे है सारा कुछ अच्छा ये वसुंधरा सत्यु दर्शन है डिग्री कॉलेज है बगल में ही और इस अगर बात करें स्कूल तो, की बात करेंगे तो बगल में ये स्कूल सामने बना हुआ है यहीं यहाँ सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल है प्राइवेट दोनों स्कूल है क्या बात है मतलब दोस्तों जब आप आओगे ना तो कहने वाली बात नहीं है सर जो आपको खुद ही दिखाएंगे सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूल जो है यहाँ पे आपको जो है मिलने वाला है तो ठीक है सर बात कर लेते जैसा कि आपने कहा एजुकेशन की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सर जब भी कोई व्यक्ति या कोई फैमिली रहती है तो उन्हें लोकल की मार्केट जहाँ पे रोजमर्रा की चीज है दूध चीनी चावल आटा ये सारी सर मुश्किल से नौ मीटर के आसपास में मार्केट है अच्छा हाँ जी वहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगे बिल्कुल रोजमर्रा की चीजें वहां मिलती है सारी तो सर बात करें लोकेशन से जो है जिस जगह हम खड़े यहाँ से दिल्ली की डिस्टेंस जो है क्योंकि दिल्ली एनसीआर को हम दिल्ली से कंपेयर करते तो दिल्ली की डिस्टेंस कितना होगा मात्र सर आठ किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली है यहाँ से मात्र आठ किलोमीटर से दिल्ली स्टार्ट है हाँ मात्र आठ किलोमीटर की दूरी से क्या बात है दोस्तों एक तो ग्रेटर नोएडा ऊपर से दिल्ली की काफी दूरी जो है पास में होने वाली है तो ये भी जो है आपके लिए एक प्लस पॉइंट है लेकिन सर बात कर लेते हैं यहाँ की जो मेन कनेक्टिविटी के बारे में जैसे मेट्रो रेलवे हाईवे के बारे में थोड़ा बताइए आप सर एफ एन जी निकलने वाला है बगल से अच्छा ये सामने जो आपको दिख रहा है ना पेड़िया सर्वे हो यहाँ से एफ एन जी है एफ एन जी के साथ में मेट्रो भी है अच्छा आपने देखा होगा वहाँ पे अपना अमृता हॉस्पिटल है जी जी स्टेशन वहाँ पे है अच्छा मतलब मेट्रो स्टेशन भी पास है बिल्कुल और पास है एनजी की कनेक्टिविटी होने वाली है तो दोस्तों ये दोनों ही कनेक्टिविटी आपको जो है प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास में मिलने वाला है जिससे कि आपको एक बढ़िया बेहतरीन लोकेशन मिलता है अभी बात करते हैं सर प्रोजेक्ट के बारे में जी सर ये जो आपका प्रोजेक्ट है टोटल कितने एकड़ का प्रोजेक्ट होने वाला है ये सर अपना जो प्रोजेक्ट था ये छप्पन एकड़ का था टोटल जो टोटल छप्पन एकड़ का क्या बात है दोस्तों तो दोस्तों काफी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है यहाँ पे तो सर बात करें आपने अपने प्रोजेक्ट पे जो सड़कें कितने कितने फुट की दी है सर हमने जो सड़कें दी है अभी हाल में देखिए ये तैीस फुट की है अच्छा जो मेन सड़क है तैतीस फुट का है मेन सड़क फुट 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 के 33 फुट से फीट है अपना 25 फुट है 20 फुट है अपना सभी प्रकार की रोड है मतलब तैतीस पच्चीस बीस मतलब चौड़े चौड़े से सड़क पे अवेलेबल हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी तो दोस्तों सड़कें भी आपको काफी बेहतरीन मिलने वाली इस लोकेशन पे सर बात करते हैं यहाँ पे जो बेसिक सुविधाएं जैसे बिजली पानी की सुविधाओं के बारे में बताइए आप सर बिजली का देखिए सामने पोल लगा हुए हैं ट्रांसफार्मर लगा हुआ है क्या बात है दोस्तों यहाँ देख सकते हो लाइट की कनेक्शन भी जा रहा है बिल्कुल कनेक्शन जब गए तो ये सारी सुविधाएं कंपनी करवा के यहाँ पे देने आ, वाली कंपनी करा के देगी रोड आपको तो सर अब बात करते हैं प्लाटो की जो है स्टैंडर्ड साइज तो अपने पास जो है प्लॉटो की साइजेस कितने गज से स्टार्ट हो जाते हैं? सर चालीस गज से लेकर के और आप जितना मर्जी आप ले लीजिए चालीस गज से मात्र स्टार्ट हो जाएगा मात्र चालीस गज से स्टार्ट होकर के और अपना जितना मर्जी आप ले लीजिए सर बात करें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा कि डॉक्यूमेंट्स लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या प्रोवाइड कर रही है आपकी कंपनी सर रेस्ट्री दे रहे हैं अच्छा हाँ डायरेक्ट रेस्ट्री कराते हैं क्लाइंटों की क्या बात है और कब्जे की बात कर ले अगर किसी को बना के रहना हो कब्जा चाहिए तो सर, सर कितना क... देना हो मात्र ग्यारह सौ रूपए लेकर आइए और तुरंत अपना ऐसे बॉन्ड कराइए आकर अच्छा मकान बनाइए वो मकान बना तुरंत मकान बनाइए ओके तो सर बात करते हैं यहाँ पे जो है अगर हमारी फैमिली आ रही तो यहाँ पे किस्तों का कितना टाइम मिल रहा है सर किस्तों का समय बहुत लंबा दे रहे हैं छत्तीस महीने का दे रहे हैं 36 महीने में उसमें कोई ब्याज व्याज भी अलग सर एक है एक रुपए का भी कोई ऐड नहीं है कोई ब्याज नहीं है अलग से कुछ भी नहीं देना कुछ भी नहीं देना है तो भाई साहब ये देख लो अलग से एक रुपये कंपनी को पे नहीं करनी है अगर सर किसी को परचेस करना है तो ये बताओ कि आना कहाँ पे होगा उनको सर आना होगा सेक्टर अट्ठाईस फरीदाबाद ये बाईपास रोड पे अपना ऑफिस है पुल और उन्तीस पुल के बीच में यामा बाइक का शोरूम है वहीं पे मेरा ऑफिस है अच्छा वहीं पे आना होगा अगर किसी फैमिली को विजिट करना तो कोई चार्ज वार्ज है यहाँ पे सर एक रुपए का भी चार्ज नहीं है क्या बात है और अगर कोई दूर बैठी फैमिली हो तो कोई ऑनलाइन भी ले सकता है क्या है? हाँ, बिल्कुल ऑनलाइन ले सकता है तो सारी फैसिलिटी होने वाली है यहां बिल्कुल सर बिल्कुल तो फैमिली जिस किसी को परचेस करना देरी मत की दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट जरूर करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलें इस तरह की बेहतरीन वीडियो दिल्ली एनसीआर से लेकर के आपके लिए आते रहते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में